राकुम स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर ट्वेंटी बायोलॉजी एफ एस सी पार्ट वन आवर डिसाइव दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ बक्टेरियो फेज एंड क्लासीफिकेशन ऑफ वायरसेज लाइफ साइकिल ऑफ बक्टेरियो फेज जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि बैक्टेरियो फेज ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो जो बक्टेरियो फेज हैं ये अपने लाइफ साइकिल में अपने लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस करते हैं रेप्लीकेट करते हैं बाय टू साइकल्स फर्स्ट वन इज लाइटिक साइकिल एंड सेकंड वन इज लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल के बारे में बच्चे हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं आज के लेक्चर में हम इसके सेकेंड साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे वट इज लाइसोजेनिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल को बच्चे गैस एंड होस्ट साइकिल भी कहा जाता है इसके अंदर जो वायरस होगा वो गैस्ट होगा और जो होस्ट होगा वो डेफिनेटली बैक्टीरिया होगा लाइसोजेनिक साइकिल के पास बच्चे एबिलिटी होती है कि ये प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और ये लाइसिस भी कर सकते हैं बक्टेरियल सेल की इस वजह से इसको कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल द फेज विच कॉजिस लाइसोजिनिक इस कॉल टेम्परेट और लाइसोजिनिक फेज ऐसा फेज जो कि बैक्टेरियल सेल की जो है वो लाइसोजिनिक करता है उसको हम टेम्परेट या लाइसोजिनिक फेज कहते हैं लाइसोजेनिक फेज का यहाँ क्या बच्चे मतलब है कि यहाँ बैक्टीरियल जो सेल है इसकी लाइसिस नहीं होती अगर लाइसिस होगी तो वो किसी इन्वामेंटल फैक्टर की वजह से होगी अदरवाइज यहाँ क्या होगा बैक्टीरियल को सेल को कोई नुकसान नहीं होगा तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं इसके अंदर बच्चे बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज क्या होती है प्रोफेज बच्चे ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो वायरस डीएनए होता है वायरल डीएनए होता है ये इनकोपरेट कर लेता है बैक्टीरियल जो है क्रोमोसोम्स या बैक्टीरियल डीएनए के साथ उसको हम कहते हैं स्टेज को प्रोफेज इसके अंदर बच्चे बेसिकली क्या होता है कि जब वायरस जो होता है ये अटैक करता है बैक्टीरियल सेल पे तो क्या होता है कि ये अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है किसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर कि वायरस जब बैक्टेरियल सेल के ऊपर अटैक करता है तो वायरस का जो डीएनए होता है वो इंसर्ट हो जाता है बैक्टेरियल सेल पे जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लिटिक साइकिल के अंदर क्या हुआ था कि जो हमारे पास वायरस है इसने क्या किया था कि बायोसिंथेटिक मशीन यूज़ की थी किसकी बैक्टीरिया की, की। लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसके अंदर जो वायरल डीएनए होगा ये बचे बक्टेरियल सेल की या होस्ट की जो है बायोसिंथेटिक मशीन को यूज़ नहीं करेगा बल्कि ये क्या करेगा वायरस का डी एन इनकोपरेट करेगा मीज़ म्यूचुअल फ्रेंडशिप करेगा किसके साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए के साथ ठीक है तो उस स्टेज को या उस स्टेट को हम कहते हैं प्रोफेज कि जिसके अंदर कंबिनेशन होता है बैक्टीरियल और वायरल डीएनए का उस स्टेट को या उस स्टेज को हम कहते हैं प्रोफेज क्लियर और इस प्रोसेस को बच्चे कहा जाता है लाइसोजिनी इसके अंदर प्रोसेस के, के अंदर क्या होता है कि लाइसोजनिक के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है वो बच्चे नॉर्मली ग्रो करता है उसको वायरस की वजह से कोई नुकसान नहीं होता याद रहे बच्चे यहाँ हम लाइसोजिनिक साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं लिटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियल सेल की डेथ हो गई थी लेकिन लाइसोजनिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल की जो है वो डेथ नहीं होती बल्कि जो बैक्टीरिया होता है वो नॉर्मली ग्रो करता है इसके अंदर क्या होता है कि जो वायरस का डीएनए होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का एक पार्ट बन के उसका एक हिस्सा बन के उसके साथ रह रहा होता है जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है वैसे वैसे जो वायरस का डीएनए होता है वो भी डिवाइड करता है लेकिन वायरस की वजह से वायरल डीएनए की वजह से को कोई नुकसान नहीं होता ठीक है इसी तरह बचे जब बैक्टेरियल सेल जो होगा ये डिवाइड करेगा तो जो हमारे पास वायरस का डीएनए इसके अंदर एंटर हुआ था वो भी इसके साथ डिवाइड होगा और नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो पास होता जाएगा ठीक है इसके अंदर बच्चे बेसिकली क्या होता है कि जो वायरस का डीएनए होता है ये इनकोपरेशन किसके साथ की होती है इसने बैक्टीरियल सेल के साथ की होती है तो जैसे ही ये डिवाइड होगा तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी मीन्स बैक्टीरिया जो होगा डिवाइड होगा बानडी फिशन से तो नेक्स्ट उसके जो सेल बनेंगे उसके अंदर भी क्या होगा वायरस का डी एन ए मौजूद होगा क्लियर लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये बच्चे रेजिस्टेंस कॉज करते हैं टू इन्फेक्शन बाय द सेम आर रिलेटेड फेज ये फेज की वजह से या वायरस के वजह से जो इन्फेक्शन कॉज होती है उसके खिलाफ जो है वो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कॉज करते हैं ठीक है ठीके? उसके खिलाफ लड़ते हैं ये ये बच्चे जो हैं आप लोगों को डायग्राम दिखाई जा रही है इसके अंदर दोनों साइकिल जो हैं वो आपको दिखाई गए हैं लिटिक साइकिल भी और लाइसोजेनिक साइकिल भी ठीक है इसके अंदर देखिएगा कि ये हमारे पास दो साइकिल हैं एक, एक हमारे पास है यहाँ लाइसोजेनिक साइकिल और ये हमारे पास क्या है लिटिक साइकिल है ठीक है लिटिक साइकिल जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से हमने देखा था आज हम स्टडी कर रहे हैं लाइसोजेनिक साइकिल इन दोनों के बच्चे जो फर्स्ट टू स्टेप हैं वो दोनों सेम हैं ठीक है, है सबसे पहले ये हमारे पास है यहाँ फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि ये हमारे पास है बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ मौजूद है बैक्टीरिया का क्रोमोसोम मीन बैक्टीरिया का डीएनए और ये हमारे पास क्या है वायरस है और वायरस ने क्या किया है कि बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो अटैचमेंट की है अपनी तेल फाइबर्स के थ्रू ठीक है तेल फाइबर्स के थ्रू इसने क्यों की है ताकि ये अपना डीएनए है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दे ठीक है ये लिटिक साइकिल और जो लाइसोजेनिक साइकिल है ये इसका सेम प्रोसेस है सेकंड स्टेप भी जो बच्चे इनका सेम है इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ है तो जो हमारे पास वायरस है उसने क्या किया है अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया है बैक्टीरियल सेल में ठीक है जैसे आप लोग यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है बैक्टीरिया का डीएनए है ठीक है और ये जो आप लोगों को पिंक कलर का नज़र आ रहा है ये वायरस का डीएनए है ठीक है अब देखिए बच्चे यहाँ हमारे पास क्या है कि ये जो है इस स्टेज पे जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि लिटिक साइकिल स्टार्ट होगा या लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा ये जो वायरस का डीएनए है ये इस बात का फैसला करेगा अगर तो बच्चे इसने अपनी रेप्लिकेशन करनी है ठीक है अपनी कॉपीज़ बनानी है तो क्या करेगा ये लिटिक साइकिल को स्टार्ट करेगा लिटिक साइकिल से क्या होगा कि अपनी कॉपीज़ बना लेगा और लास्ट पर जाके क्या कर देगा बक्टेरियल सेल की लाइसिस कर देगा लेकिन यहाँ हम लाइसोजेनिक साइकिल जो कि हम पीछे स्टेप डिस्कस करके आए हैं उनको देखिएगा कि यहाँ क्या हुआ है कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो वायरस का डीएनए एंटर हो चुका है ठीक है अब ये थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा? ये बच्चे डिफरेंट देखिए डिफरेंस देखिएगा लिटिक साइकिल में और लाइसोजेनिक साइकिल में यहाँ कॉपीज बनी है लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या हुआ है कि जो वायरस का डीएनए होगा ठीक है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या करेगा फ्रेंडशिप करेगा और इन दोनों की आपस में क्या होगी कॉपरेशन होगी और कॉपरेशन से क्या बनेगा प्रोफेज बनेगा जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए है ये दोनों आपस में इंटीग्रेट कर चुके हैं ठीक है दोनों कनेक्ट हो चुकी हैं इस स्टेज को हम क्या कहते हैं या इस फेज को हम कहते हैं प्रोफेज क्लियर अब देखिए बच्चे यहाँ हमारे पास क्या होगा कि जो बैक्टीरिया सेल है ठीक है ये डिवाइड करेगा क्योंकि इसने क्या करना है ये जो बैक्टीरिया ये नॉर्मली ग्रो कर रहा है तो अब ये नॉर्मली ग्रो करेगा तो इसने डिवाइड भी करना है तो डिवाइड ये कैसे करेगा ये डिवाइड करेगा बाय बाइनरी फिशन क्योंकि बच्चे इसके अंदर जो माइटोसिस है वो एबसेंट होती है और इसके अंदर जो डिवीजन का प्रोसेस होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है बाइनरी फिशन का मतलब क्या है कि यहाँ सेल जो होगा वो दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड होगा जैसे बच्चे आप लोग यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया सेल है इसके अंदर जो है वो बाइनरी फिशन हो चुकी है ठीक है और सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है लेकिन यहाँ बच्चे बात नोट कीजिएगा कि जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगा वैसे वैसे जो वायरस का डीएनए होगा वो भी डिवाइड होगा ठीक है ये भी डिवाइड हो रहा है ठीक है इसके अंदर देखिएगा यहां बैक्टीरिया का और वायरस का दोनों डीएनए का कम्बिनेशन यहां भी है और यहां भी है जैसे जैसे बच्चे ये सेल आगे डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे जो वायरस का डीएनए होगा वो भी आगे पास होता जाएगा क्लियर अब क्या होता है कि बच्चे अगर तो ये लाइसोजेनिक साइकिल चलता रहता है तो ये हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है ये नॉर्मली ग्रो करता रहता है नॉर्मली इसके अंदर डिवीजन होती रहती है बैक्टीरियल डीएनए की भी और वायरस डीएनए की भी लेकिन बच्चे अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो इस सेल को जो है वो इफ़ेक्ट कर देता है तो क्या होता है कि जो वायरस का डीएनए होता है ये बच्चे सेपरेट हो जाता है किस से डीएनए से जिसको हम कहते हैं इंडक्शन ठीक है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या होता है कि प्रोफेज में से जो हमारे पास वायरस का डीएनए होता है वो सेपरेट हो जाता है किस चीज़ से बैक्टीरिया के डीएनए से उसको हम इंडक्शन कहते हैं अब ये बच्चे जब इससे सेपरेट हो जाता है तो दोबारा से ये क्या स्टार्ट कर देता है लिटिक साइकिल को स्टार्ट कर देता है मीन्स अपने ये कॉपीज बनाता है और कॉपीज़ बना के एंड पे क्या आता है कि डी की लाइसिस जो है वो स्टार्ट कर देता है क्लियर ये था बच्चे हमारे पास लाइसोचिनिक और लिटिक साइकिल का डिफरेंस कि लिटिक साइकिल के अंदर ब्रेक डाउन हुई है किस चीज़ की बैक्टेरियल सेल की यहाँ ये देखिएगा यहाँ ब्रेक हुआ है और जो बैक्टेरियो फेज यहाँ रेप्लीकेट हुए थे वो बाहर आ गए हैं यहाँ हमारे पास क्या हुआ है कि जो बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस हो गया है ठीक है बैक्टीरिया की डिवीजन हो गई है यहाँ हमारे पास कोई लाइसिस नहीं हुई उसके बाद बच्चे देखिएगा इंडक्शन अब देखिए हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि हमारे पास जो इंडक्शन है ये क्या होती है ये बच्चे ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो वायरस का डीएनए होता है वो सेपरेट हो जाता है किस चीज़ से होस्ट मीन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से और ये क्या स्टार्ट कर देता है लिटिक साइकिल ठीक है ये लाइसिस वाला साइकिल जो है वो स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंडक्शन बोलते हैं क्लियर उसके बाद बच्चे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस कि वायरसिस को जो है वो कैसे क्लासीफाई किया जाता है अब देखिए कि बच्चे हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ठीक है या बैक्टेरियल होता बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर जो वायरस होते हैं वायरस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ठीक है डिफरेंट जो हम ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जो वायरस होंगे वो भी क्या होंगे डिफरेंट टाइप्स के होंगे अब जो बच्चे हमारे पास वायरसिस हैं इनको जो है वो डिफ़रेंट बेसिस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है सबसे पहले हमारे पास है जेनेटिक मटीरियल ठीक है मीन्स न्यूक्लिक एसिड की बेस पर डिवाइड किया जाता है सेकेंडली इसके अंदर कवर इन की बेस पर हम वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं और थर्डली इसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पर मीन्स इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बेस पर जो है वो हम वायरस को डिवाइड या क्लासीफाई कर सकते हैं सबसे पहले बच्चे हमारे पास है जेनेटिक मटीरियल जेनेटिक मटेरियल मटीरियल न्यूक्लिक एसिड के जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी बेस पर हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं कि जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए की फॉर्म में है या आरएनए की फॉर्म में है तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने वायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमने क्या कहा था कि न्यूक्लिक एसिड में से वायरस के अंदर या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है ठीक है तो हम डीएनए और आरएनए की बेस पर वायरस को जो है वो क्लासीफाई करते हैं सेकेंडली बच्चे इसके अंदर हम इसका कवर देखते हैं कवर मीन इन्वेल्व अब देखिए कि बच्चे कुछ वायरस होते हैं उनके ऊपर कवर इन्वेल्व मौजूद होता है जिनको हम इन्वेल्व वायरस कहते हैं लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे वायरस होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर जो है वो इन्वेल्प मौजूद नहीं होता मीस नेकड होता है नंगा होता है तो उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेल्प वायरस इसकी बेस पर जो है हम वायरस को क्लासीफाई करते हैं उसके बाद बच्चे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी मीन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बेस पर जो है हम इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं तो मॉर्फोलॉजी की बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं तीन जो हैं इसके ग्रुप्स हैं सबसे पहले हमारे पास है रोड शेप ये इसका रोड शेप होगी जो कि हमारे पास होती है टोबैको मोजैक वायरस के अंदर ठीक है सेकेंडली बच्चे इसकी शेप होगी स्फेरिकल जो कि पोलियो वायरस के अंदर होती है और थर्ड होगी कम्प्लेक्स जो कि टेडपोल मीन्स बक्टेरियम बक्टेरियो फेज के, के अंदर जो है इसकी जो शेप होती है वो बच्चे टेडपोल लाइक होती है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है ये बच्चे तीर मोरफोलॉजी हैं जिसकी बेस पर जो है हम जो है वायरस को क्लासीफाई करते हैं इनकी बच्चे डायग्राम देखिएगा सबसे पहले हमारे पास है रॉड शेप ठीक है रॉड शेप कैसी होती है ऐसी होती है रॉड शेप ठीक है और ये किसके अंदर होता है ये बच्चे प्लांट्स के अंदर होता है स्पेशली जो जो है तम्बाकू में वायरस होता है तम्बाकू का जो प्लांट होता है उसके अंदर वायरस की शेप क्या होती है ऐसी शेप होती है रॉड शेप उसके बाद हमारे पास सेकेंड कौन सा है स्फेरिकल और स्फेरिकल किस में होता है पोलियो वायरस में ठीक है ये हमारे पास पोलियो वायरस जो है स्फेरिकल होता है इसकी ये इस तरह स्फेरिकल शेप होती है क्लियर और थर्ड हमारे पास है कम्प्लेक्स ये मीन्स टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है बैक्टेरियो का ये स्ट्रक्चर आप लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है थीके? ये हमारे पास क्या है मक्टेरियो है ठीक है इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसकी मोरफोलजी जो होती है वो जस्ट लाइक टेडबोर लाइक होती है क्लियर ये था बच्चे आज का लेक्चर आई होप सो आपको समझ आ गया होगा आप लोगों ने बच्चे इसको बहुत अच्छे से याद करना है आपका जो चैप्टर फाइव में से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका लाइफ साइकिल ऑफ बक्टेरियो है जिसके अंदर दोनों साइकिल आ जाते हैं एलिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल ठीक है इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है और इसकी क्लासिफिकेशन है इसकी आप लोगों ने डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रा करनी है और याद रहे आप लोगों ने के जो है बुक के ऊपर जो है और औरटिक साइकिल की डायग्राम बहुत अच्छी बनी हुई है तो आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से ड्रा भी करना है और याद भी करना है ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच